हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन क्लचेस। और फ्रिक्शन क्लच के अंदर हमने सिंगल प्लेट क्लच शुरू किया था। सिंगल प्लेट क्लच का डायग्राम और एक रिंग कंसिडर करके हमने जो इसका हाफ पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था। यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया था। अब हम करेंगे यूनिफॉर्म वियर। जो डायग्राम था हमारा वही हमारा रेफरेंस रहेगा। इसमें भी एक रिंग कंसिडर कर रहे हैं हम, जिसकी रेडियस आर रहेगी। तो उसी के लिए जो एक्सप्रेशन है उसी से हम आगे का डेरिवेशन करते हैं। जो यूनिफॉर्म वियर है, यूनिफॉर्म वियर के अंदर क्या है कि जो नॉर्मल इंटेंसिटी है प्रेशर की वो वेरी करती है रेडियस के साथ में। रेडियस के साथ वो रिलेशन में है और वो चेंज होगी। और जो हमने इससे पहले जो केस लिया था वो था यूनिफॉर्म प्रेशर का, उसके अंदर प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं रहती है। पी है जो नॉर्मल इंटेंसिटी है, जो क्लच की एक्सिस है उससे डिस्टेंस आर पर। जो प्रेशर है, इंटेंसिटी प्रेशर है, वो वेरी करता है आर के साथ में जो डिस्टेंस है। तो पी डॉट आर इक्वल्स टू सी। हमने ये पहले भी जो यूनिफॉर्म वियर का जो जितने भी केसेस किए थे कॉलर के लिए, पिवट के लिए, वहाँ पे भी हमने यही चीज़ें देखी थी। तो जो आर है, आर के साथ पी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आर इंक्रीज होगा तो पी की वैल्यू कम होगी। इस इक्वेशन को हम 1 नंबर डाल देंगे। यूनिफॉर्म प्रेशर का जो हमने केस लिया था उसमें हमने उससे पहले ही जो डेल डब्ल्यू था वो कैलकुलेट किया था हमने। और जो हमारा डेल डब्ल्यू है वो वहीं से हम डायरेक्ट लिख लेंगे। रिंग के लिए हमने डेल डब्ल्यू की वैल्यू निकाली थी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं। डेल डब्ल्यू इक्वस टू पी टू पाई आर डी आर। अब यहाँ पे जो पी की वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 से रख देंगे, जो हमारे सी बाई आर है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो डेल डब्ल्यू की वैल्यू आएगी हमारे पास में 2 पाई सी डी आर। अब हम टोटल जो फोर्स है वो फ्रिक्शन सरफेस के लिए निकालेंगे। अभी जो हमारा था ये एक रिंग कंसिडर करी गई थी और जो रिंग थी उसकी रेडियस आर थी और डी आर उसकी थिकनेस थी। तो अब हम डेल डब्ल्यू जो है उसको टोटल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे हम आर टू से आर वन के बीच में। आर वन हमारी बड़ी रेडियस है, आर टू छोटी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है डेल डब्ल्यू का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी, यहाँ पे आर का कोई टर्म नहीं है, 1 कंसीडर करके इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 पाई सी ब्रैकेट आर और जो हमारे लिमिट्स हैं उनको रख देंगे। लिमिट्स खोल देंगे हम, बड़ी लिमिट रहेगी पहले फिर छोटी लिमिट रहेगी। तो 2 पाई सी ब्रैकेट R1 माइनस R2, ये हमारा W की जो वैल्यू है वो निकल के आई है। ये हमारी टोटल जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स सरफेस पे वो निकल के आ गया है। W की जो वैल्यू निकाली है यहाँ से, जो हमारी इक्वेशन है वो है W इक्वस टू 2 पाई सी ब्रैकेट R1 माइनस R2। यहाँ से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो C की वैल्यू आएगी वो आएगी W अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में R1 माइनस R2। C हमारा कांस्टेंट था, C की वैल्यू अब हमने निकाल ली है। अब हमारा जो टॉर्क है रिंग के लिए TR, उसकी वैल्यू हम वहीं से रख देंगे जो हमने पहले निकाली थी। तो टी आर की वैल्यू है 2 पाई μ PR² dr। टी आर हमारा रिंग के लिए है। यहाँ पे भी हम पी की वैल्यू रखेंगे, सी बाई आर इक्वेशन 1 से रख रही है हमें। तो 2 पाई μ × C/R × R² dr वैल्यू आएगी। टी आर इक्वल्स टू 2 पाई μ CR dr। ये हमारा जो टॉर्क है ये रिंग के लिए है।
अब हम टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क है जो कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्रिक्शनल टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेट कर देंगे हम हमारे लिमिट्स में आर टू से आर वन के बीच में। तो टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, आर टू आर वन जो हमारी लिमिट से पुट करेंगे, वैल्यू टी आर की रखेंगे, टी पाई म्यू सॉरी 2π μ सी आर डी आर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट होके जो वैल्यू आएगी 2π μ सी ब्रैकेट आर स्क्वायर अपॉन टू ब्रैकेट क्लोज आर टू से आर वन के बीच में लिमिट रख देंगे। इंटीग्रेशन करने का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, अगर एक्स है, एक्स की पावर एन है, तो एक्स की पावर एन को ऊपर भी प्लस कर देंगे, एन प्लस वन डिवाइड बाय एन प्लस वन। तो उस फॉर्मूले से हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं और लिमिट्स हैं वो पुट कर देंगे हमारी। लिमिट रखने के बाद में जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा 2π μ सी ब्रैकेट आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर बाई टू। जो आर वन है हमारी बड़ी लिमिट है, तो बड़ी लिमिट पहले रखते हैं। यहाँ पे हम सी की जो वैल्यू है हमने निकाली थी, सी की वैल्यू हमने निकाली थी डब्ल्यू अपॉन 2π ब्रैकेट में आर वन माइनस आर टू। तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, एक्सप्रेशन हमारा आएगा टी इक्वल्स टू पाई म्यू डब्ल्यू अपॉन 2π ब्रैकेट आर वन माइनस आर टू, ये सी की वैल्यू है, इंटू आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसे खोलेंगे एक्सप्रेशन को, तो जो हमारा आर वन माइनस आर टू है ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो टी की वैल्यू आएगी 1/2 μ डब्ल्यू ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू। आर वन प्लस आर टू बाई टू को हम मीन रेडियस भी बोल सकते हैं हमारा, तो इसको हम कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। तो फॉर्मूले को अगर शॉर्ट फॉर्म में जैसे लिखना चाहें तो टी इक्वल्स टू म्यू डब्ल्यू कैपिटल आर, लेकिन कैपिटल आर की जो वैल्यू है ये हमारी है आर वन प्लस आर टू डिवाइड बाय टू, तो ये हमारे आर की वैल्यू है। तो अब हमने जो टॉर्क कैलकुलेट किया है, ये टॉर्क हमारा यूनिफॉर्म वियर की थ्योरी के लिए कैलकुलेट कर लिया है हमने सिंगल प्लेट क्लचेस के लिए। पावर लॉस वगैरह पूछा जाएगा हमसे, तो जो हमने पहले भी इतने सारे डेरिवेशन किए हैं उनमें जो सेम है फॉर्मूला उसी तरीके से पावर लॉस कैलकुलेट किया जाएगा।